Hey everyone, welcome back. हाजिर हूँ आपके लिए लेकर एक कोरियन मिस्ट्री थ्रिलर मूवी की एक्सप्लेनेशन, जिसका नाम है 20 हैकर। ये कहानी है पार्क नाम के बंदे की, जो एक कंपनी के सीईओ का बेटा था। एक दिन उसके फादर की कंपनी पे बहुत बड़ा साइबर अटैक होता है, जिसके कारण वो लोग बैंकक्रप्ट हो जाते हैं और उसके कारण उसके फादर अपनी जान दे देते हैं। फिर पार्क ऑफिसर से बात करता है, वो लोग उस हैकर को ढूंढ नहीं पा रहे थे। पार्क उन पर बहुत नाराज था कि कैसा सिस्टम है जो एक कातिल को ढूंढ नहीं पा रहा है। ऑफिसर्स के हाथों से बातें जा चुकी थी और वो अब कुछ नहीं कर सकते थे, इसलिए पार्क कहता है, उस दिन एक हैकर ने मेरे लिए सब कुछ छीन लिया और मैं उस हैकर से अब उसका सब कुछ छीन लूंगा। इसीलिए वो खुद हैकिंग सीखना शुरू कर देता है। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं पार्क कॉलेज के जिम पे जा रहा है, तभी उसकी दोस्त जून भी आकर उसे मिलती है। एंड जून और पार्क बहुत ही अच्छे दोस्त थे। वहीं दूसरी तरफ जिम में अलग स्पोर्ट्स का कॉम्पिटिशन चल रहा था, एंड वहाँ पे हो नाम के बंदे को देखते हैं, जो जून का क्रश था। बताती है वो इंटेलिजेंट भी है, हैंडसम भी, उसे सब लोग पसंद भी करते हैं, वो बहुत ही पॉपुलर भी है। वहाँ पर पार्क उससे बात करने आता है और कहता है, तुम दोनों क्लासमेट्स हो और काफ़ी पहले से दूसरे को जानते हो, तो प्यार कैसे हो गया? तभी सामने से एक बॉल उड़ता हुआ आता है और पार्क जून को बचाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उस बॉल को रोक नहीं पाता और जून बॉल लगने के कारण नीचे गिर जाती है। तुरंत ही हो आकर जून से पूछता है, तुम ठीक तो हो? जून हो को देख यकीन नहीं कर पाती कि वो उसे पकड़ कर रहे। अब हम देखते हैं सामने मिन नाम के बंदे को प्रोटीन पाउडर गिर गया था। वो बहुत ही गुस्से में होता है एंड तभी हमें दिखाया जाता है कि पाउडर इसलिए गिर रहा था क्योंकि गुस्से में पार्क ने उस बॉल को पीछे की तरफ फेंक दिया था। एंड फिर मिन अपनी दोस्त यंग के पास जाता है एंड वो लोग एक ग्रुप चलाते थे बेटर वर्ल्ड के नाम से। मिन सीसीटीवी की मदद से देखता है पार्क आखिर है कौन। पार्क की शक्ल को देख यंग को याद आता है कि उसने इसे कहीं पर देख रखा है एंड तभी उसे याद आता है यही तो हैक्स है। एंड हैक्स दरअसल पार्क के हैकिंग अवतार का नाम था। वहीं हमें पता चलता है पार्क एक साइबर कैफे में पार्ट टाइम जॉब करता था एंड वो वहाँ पे कंप्यूटर पे पेन ड्राइव डालकर कुछ काम कर रहा होता है। वहाँ वो बताता है हैकर्स का काम होता है हमेशा ऑनलाइन सर्व करते रहना, जिस जगह सिक्योरिटी कम हो वो तो हमारे लिए इन्वाइटिंग प्ले ग्राउंड होता है और जहाँ सिक्योरिटी ज़्यादा हो वो बैटल ग्राउंड। लेकिन अगर हम उन्हें रोकना चाहते हैं तो ज़्यादा कुछ नहीं, हमें भी हैकिंग सीखनी पड़ेगी और स्किल को मास्टर करना पड़ेगा। फिर हम देखते हैं पार्क हैकिंग की पढ़ाई कर रहा था एंड फिर वो कंप्यूटर पे काम कर रहा होता है कि तभी किसी अननोन इंसान को उसे मैसेज आता है और जून उसी वक्त उससे मिलने आती है। साइबर कैफे लगभग खाली पड़ा था तो वो कहती है, ऐसी जगह तुम काम क्यों कर रहे हो? जब लोग है ही नहीं तो पैसे कमाओगे कैसे? वो कहता है, अभी एग्जाम्स का वक्त है इसलिए लोग यहाँ पर नहीं आते। वो जून से ये भी कहता है, तुम्हारे भी तो एग्जाम्स आने वाले हैं तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जून पार्क को ये बतानी आई थी कि उसने डिसाइड किया है कि वो को डेट के लिए पूछेगी। ये सुनकर पार्क को थोड़ा बुरा लगता है क्योंकि पार्क भी जून को पसंद करता था लेकिन जून उसे सिर्फ अपना बेस्ट फ्रेंड मानती थी। वहीं दूसरी तरफ यंग को देखते हैं जो कह रही थी कि पार्क ने जिस भी जगह पे साइबर अटैक्स किए हैं उन कंपनीज पे ऑलरेडी करप्शन के चार्जेस थे। ऐसा लगता है उसने कहीं के भी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन चुराने के लिए अटैक्स नहीं किए। हैकर्स में दरअसल एक अलग प्रजाति है जो खुद को हीरो मानती है, शायद ये भी उनमें से एक है। अब पार्क जून को घर छोड़ने जा रहा था जब वो कहता है, आखिर मैं भी तो बचपन से बहुत स्मार्ट हूँ तो तुम्हें हो ही क्यों पसंद आया? पार्क भी क्लास में सेकंड आता था लेकिन वो हमेशा ही सीरियस रहता था एंड दूसरे लोग उससे बात तो करना चाहते थे लेकिन वो किसी से भी बात नहीं करता था। जून उसे सब कुछ बताती है कि तुम पॉपुलर तो थे लेकिन वियर्ड भी। क्लास के टीचर भी हैरान थे, आखिर तुम इतने अच्छे नंबर कैसे मिल जाते हैं जबकि तुम पढ़ाई भी बहुत कम करते हो। अब अगली सुबह कंप्यूटर लैब पे पार्क कल रात वाले अननोन बंदे का पता लगाने की कोशिश कर रहा था जिन्होंने उसे मैसेज भेजा था। तभी उसे दोबारा मैसेज आता है कि हैक्स, हम लोग बेटर वर्ल्ड से हैं, हम तुम्हें अपने ग्रुप में इनवाइट करना चाहते हैं, नीचे हॉल की ग्रुप B1 सेक्शन में आ जाओ। एंड तभी वहाँ पे हो आ जाता है। हो को देख वो तुरंत पीसी को छिपा लेता है। अब वह से पूछा था, हॉल B1 में कोई ग्रुप है क्या? वो बताता है, सभी लोग तो नए वाले हॉल में शिफ्ट हो चुके हैं, पुराने वाले में शायद ही कोई होगा। पार्क डरता हुआ उस हॉल की तरफ जाता है एंड नीचे पूरा अंधेरा था क्योंकि उस सेक्शन पे कोई भी आता जाता नहीं था। तभी वहाँ पे उसे जून मिल जाती है एंड वो दोनों वहाँ के रूम में चले जाते हैं। वहाँ पे वो मिन और यंग से मिलते हैं एंड मिन उसे बताता है कि हम लोग यहाँ पे बेटर वर्ल्ड के नाम से ग्रुप चला रहे हैं। दुनिया में कई प्रकार के हैकर होते हैं जो दूसरों को नुकसान पहुँचाते हैं और हमारा ये ग्रुप इन खतरनाक हैकर से लोगों को बचाता है, इसलिए हम खुद को वाइट हैकर्स ग्रुप भी बुलाते हैं और हम एक बेटर वर्ल्ड बनाना चाहते हैं इसलिए बेटर वर्ल्ड नाम दिया है। मिन बताता है, हम सिर्फ साउथ कोरिया पे नहीं बल्कि ग्लोबली है। जून कहती है, हैकर्स का ग्रुप, लेकिन मुझे क्यों बुलाया?
मैं तो इससे रिलेटेड कुछ जानती भी नहीं। एंड तभी वो ये भी कहती है, पार्क तो और सीधा साधा है, वो तो मुझसे भी ज़्यादा बेवकूफ़ है, उसे इन मामलों में क्यों बुलाया। तभी यंग पार्क से कहती है, हमें तुम्हारे स्किल्स की ज़रूरत है, तुम हमारे साथ जुड़ जाओ, तुम्हें एक टीम मिल जाएगी और मैं एक नया हैकर, तुम्हारे लिए विन विन सिचुएशन है। पार्क मना कर देता है और वो वहाँ से जाने लगता है। तभी यंग उसके फादर की कंपनी का नाम लेती है और बताती है कि मैं सब कुछ जानती हूँ, तुम हमारे साथ काम करोगे तो तुम्हें शायद उस हैकर को पकड़ने का मौका भी मिल जाए जिससे तुम्हारी लाइफ बर्बाद की थी। फिर हमें दिखाया जाता है 3 साल पहले उसके फादर की कंपनी में साइबर अटैक हुआ था और इतने बड़े लॉस के कारण उसके फादर कहीं गायब हो गए थे। एंड तभी एक दिन उनकी बॉडी मिलती है और तब से आज तक पार्क उस किलर हैकर को ढूंढने की कोशिश कर रहा है लेकिन ढूंढ नहीं पाया। अब वो उन पर चिल्लाने लगता है कि मेरे पास के बारे में बात करने का हक किसी को नहीं है। तभी यंग उसे बताती है कि अनएथिकल हैकिंग के कारण सिर्फ तुम्हारी लाइफ बर्बाद नहीं हुई, दुनिया में बहुत सारे लोगों के साथ बहुत बुरा हुआ है, इसलिए प्लीज़ हमारा साथ दो। एंड फिर अगली सीन में जून के फादर मिस्टर किम को देखते हैं। उन्हें एक फ्रेंड जॉन अपने पैसों को इन्वेस्ट करने के लिए बोल रहा था कि आप मेरी कंपनी में पैसे लगाओ और उसके बाद जिंदगी भर बैठ कर खाओ। वो समझ नहीं पा रहे थे ऐसा कैसे हो सकता है, बिना मेहनत के पैसे कैसे कमा सकता हूँ, ये तो पॉसिबल भी नहीं है। इस पर जॉन कहता है, आपकी बेटी बड़ी हो गई है, वह अब्रॉड जाना चाहेगी पढ़ाई के लिए और उसके कई सारे सपने होंगे और फिर उसकी शादी भी होगी, आप इतने सारे पैसों का इंतजाम अकेले कैसे करोगे, इसे मेरी बात मान लो, आपकी लाइफ की सारी दिक्कतें खत्म हो जाएगी। और मिस्टर किम तभी इस बात पर फंस जाते हैं। वही दूसरी तरफ पार्क अपने जॉब पर था तभी उसे जून कॉल करती है और बताती है, कल रात जब मैं घर वापस आई तो मैंने फादर कुछ पढ़ते हुए देखा, मुझे देखते ही वो अपने रूम में चले गए, उनका मूड कुछ सही नहीं लग रहा था, वो थोड़े घबराए हुए भी लग रहे थे। एंड अगली सुबह मिस्टर किम जॉन के ऑर्गेनाइज किए हुए सेमिनार में जाते हैं, वहाँ पे बहुत सारे लोग आए हुए थे। जॉन किम से कहते हैं, देखो ये सब अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ पर आए और ये सब अपने पैसे यहाँ लगाएंगे। फिर वो लोग सेमिनार शुरू करते हैं एंड सेमिनार में बताए हुए डील्स और बातें सुनकर जून की फादर की आंखों में एक चमक आ जाती है। जॉन वहाँ पर जैसे ही बड़े बड़े वादे करता है तभी उनका सिस्टम हैक हो गया था एंड वहाँ पे लायर लायर लिखना शुरू हो जाता है। फिर तभी वहाँ पे एक रिकॉर्डिंग प्ले होती है जिसमें जॉन और एक बंदा बात कर रहा था कि कैसे वो लोग इन सभी लोगों से पैसे लेने के बाद यहाँ से तुरंत गायब हो जाएंगे और कैसे ये लोग स्कैम को पूरा करते हैं हर जगह पे जा जाकर। उनका सच अब सभी के सामने आ चुका था। एंड तभी हमें कुछ देर पहले का सीन दिखाया जाता है कि कैसे पार्क विन मिलकर जॉन के सिस्टम को हैक कर लेते हैं एंड फिर वो सभी वहाँ से लौट गए थे। वहीं दूसरी तरफ पार्क के फादर के असली किलर को दिखाया जाता है, वो एक मिस्टीरियस बंदा था जिसकी शक्ल को किसी ने भी नहीं देखा। फिर पार्क और बाकी सभी पार्टी करने जाते हैं एंड वहाँ पे जून को हो का कॉल आता है, वो एक्साइटमेंट में उससे बात करी थी एंड ये देख पार्क उदास था। यंग उसे कहती है, तुम इंतज़ार क्या कर रहे हो, उसे जाकर बता दो पर ना फंसे रह जाओगे। फिर वो उसे घर छोड़ने जाता है एंड जून ने काफ़ी पी ली थी तो वह नशे में होती है और वो आज बहुत खुश भी थी कि उसके फादर बहुत बड़े स्कैम से बच गए सिर्फ पार्क के कारण। फिर वो गिरने ही वाली थी कि तभी पार्क उसे बचा लेता है। ये देख अचानक जून की हार्ट बीट तेज़ हो जाती है और वो तुरंत पार्क को वापस भेजने अपने घर पर घुस जाती है। वहीं दूसरी तरफ पार्क साइबर कैफे वापस लौट आता है एंड वहाँ उसका बॉस उसे न्यूज़ बता रहा था कि कैसे बेटर वर्ल्ड नाम के हैकर ग्रुप ने एक बहुत ही बड़े स्कैमर्स के ग्रुप को पकड़वा दिया है, उन्होंने कई लोगों के पैसे बचाए हैं जो प्लीज़ इतने समय से नहीं कर पाई वो उन्होंने चुटकी में कर दिया। पार्क कहता है, ये सभी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बिल्कुल एक विजिलेंटी की तरह। उसका बॉस कहता है, ये तो सच है लेकिन क्या तुम्हें लगता है ये इस कानून की दुनिया में ऐसे छिपके कब तक रह पाएंगे, आज वो हमारे साथ दे रहे हैं कल हमारे खिलाफ होंगे, उनके पावर्स को देखकर हमें भी डरना चाहिए, कहीं अगर वो हमारे अगेंस्ट कुछ करने लगे तो। यही बात उसे यंग ने भी कही थी कि छिपकर तुम कब तक लोगों की मदद करोगे, तुम्हें कभी ना कभी पुलिस पकड़ने की कोशिश करेगी ही करेगी क्योंकि लोग अपने से ज़्यादा ताकतवर को देख नहीं पाते और उसे डर जाते हैं और यही दुनिया की सच्चाई है। फिर अगली सीन में हम पार्क को होके साथ बात करता देखते हैं एंड हैरान था कि 3 सालों में पहली बार पार्क उसे बात करना चाहता है, वो भी दोस्तों के जैसे। वो पूछता है, आखिर हुआ क्या है। पहले पार्क उसकी तारीफ करता है, उसे पार्टी देता है एंड फिर डायरेक्ट मुद्दे पे आता है। पार्क जाना चाहता था कि हो को जून पसंद है या नहीं, लेकिन उसे ये बात पूछने से पहले ही वो कह देता है, मुझे जून बहुत पसंद है। ये सुनते ही पार्क 2-4 बार उसे अलग अलग तरीके से पूछता है, क्या सच में जून तुम्हें पसंद है, हमारे क्लास में जो जून है वही ना जो मेरे साथ घूमती है, वही जून की बात कर रहे हो। वो कहता है, हाँ लेकिन तुम इतने हैरान परेशान क्यों हो रहे हो। वो उसे पूछता है, क्या मैं जून को डेट कर सकता हूँ, तुम तो उसके दोस्त हो ना, बता दो प्लीज़। पाक कहता है, अब तुम्हें वो पसंद है
तो तुम्हें उसे पूछ लो, मैं क्या बताऊँ। फिर वो अपने पीसी को चला रहा था एंड तभी वो देखता है डार्क वर्ल्ड के हैकर ग्रुप ने उसे चैलेंज किया है। पार्क अपने दोस्तों के पास चला जाता है और कहता है हम इसके चैलेंज को एक्सेप्ट करना चाहिए। मैन कहता है मैं ऐसा नहीं कर सकता, हमने बेटर वर्ल्ड बनाया था ताकि हम लोगों को मुसीबत से बचा सके और छिपे रह सके, लेकिन तुम बड़ी बड़ी कंपनीज के सर्वर हैक करोगे और बड़े लोगों से पंगे लोगे तो एक ना एक दिन हम ज़रूर पकड़े जाएंगे और मैं ऐसा नहीं चाहता। यंग पार्क को समझाती है कि अभी भी बहुत बड़े स्कैम का पर्दाफाश किया है हमने, तो हमें थोड़ी ब्रेक की ज़रूरत है, थोड़े दिन छिपे रहने के बाद हम लोग दोबारा ऑपरेट करेंगे। मैं जानती हूँ तो अपने फादर का बदला लेना चाहते हो, मेरा यकीन मानो हम बदला ज़रूर लेंगे, बस तुम इंतज़ार करो। एंड तभी मिन बताता है कि तुम्हारे फादर की कंपनी को डार्क हैकर्स ने ही हैक किया था एंड उसके बाद कई सालों तक वो हाइडिंग में थे, तो सोच लो वो कितनी ज़्यादा प्रैक्टिस्ड और एक्सपर्ट होंगे। और तुम्हें क्या लगता है हम लोग जो नौसिखे हैं हम लोगों के जाल में वो फंसेंगे? पार्क उसे समझाता है मैं 3 सालों से उन्हें ढूंढ रहा हूँ, आज आकर मुझे एक मौका मिला है, मैं क्या करूँ। एंड फिर वो वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जून हो के साथ डेट पर गई हुई थी, तभी उसे यंग कॉल कर बताती है कि पार्क का कॉल नहीं लग रहा, वो बहुत ही गुस्से में गया है। ये सुनकर जून टेंशन में आ जाती है एंड वो ये सुनकर कहता है पार्क का बच्चा नहीं है तुम इतनी चिंता क्यों कर रही हो। उसे बात करने की कोशिश करता है लेकिन जून पार्क के टेंशन में होके किसी भी बातों पर ध्यान नहीं दे पा रही थी। फिर उसे यंग का मैसेज आता है कि पार्क मिल चुका है, वो जून से कहती है हमारे रेस्टोरेंट से बाहर आओ। फिर वो सभी पार्क के पास जाने लगते हैं एंड वही दूसरी तरफ दिखाया जाता है वो डार्क हैकर ग्रुप का लीडर सीक्रेटली यंग की कार को ट्रैक कर रहा था कि वो लोग अभी कहाँ जा रहे हैं। फिर जून पार्क से मिलकर उसे थोड़ा मारने लगती है, आखिर तुमने मुझे डरा क्यों दिया था। पर वहीं पार्क बाकियों को बताता है कि डार्क हैकर्स ने मुझे बताया था कि वो सभी फॉरेन एक्सचेंज के सिस्टम पे हैक करने वाले हैं, तो इस पर उससे पहले हम लोग ये काम कर लेंगे। और पार्क उस एक्सचेंज कंपनी के बिल्डिंग में मेन सिस्टम पे जाकर मैलवेयर प्लांट कर देता है, लेकिन इसी बीच उसे वहाँ का सिक्योरिटी गार्ड देख लेता है, लेकिन वो किसी तरह वहाँ से भागने में कामयाब हो गया था। पर नीचे कुछ और लोग थे और वो पार्क को मारने लग जाते हैं, इसलिए मेन उसके हेल्प के लिए आता है, लेकिन जून यंग को बताती है कि बचपन से ही पार्क कराटे और MMA की ट्रेनिंग लेता है और इसीलिए वो पढ़ाई नहीं करता था। ट्रेनिंग से बोर होने के बाद उसने मिडिल स्कूल में पढ़ाई करनी शुरू की, नर्ड होने के पहले वही फाइटर भी है। मिन पार्क के एक्शन को देखकर डर जाता है एंड यंग उसे पूछती है ऐसा क्या देख लिया तुमने। अगली सुबह हम देखते हैं अचानक से बहुत सारे लोगों के बैंक अकाउंट से पैसे निकल जा रहे थे एंड तभी सामने इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन पे एक वीडियो चलती है, उस वीडियो को डार्क वर्ल्ड के हैकर्स ने ही चलाया था। एंड अभी कुछ वक्त पहले जितने भी लोगों ने क्रिप्टो पे इन्वेस्ट किया है उन सब के पैसे हमने चुरा लिए हैं। घर पे जून के फादर की भी हालत खराब हो जाती है क्योंकि उन्होंने भी अपने पैसे वहां पर लगा दिए थे ये सोचकर कि वो ज्यादा पैसे कमा पाएंगे। वहीं दूसरी तरफ पार्क को वो डार्क हैकर मैसेज करता है कि तुम मेरे बारे में इतना डेस्परेटली जानना चाहते हो तो मैं अपना एड्रेस बताता हूँ, अपनी ड्राइव ले आना मुझे वो चाहिए और फिर मैं तुमसे मिलूंगा। पार्क चला जाता है वहां पे एंड हम देख पाते हैं डार्क हैकर और कोई नहीं बल्कि हो था। वो पार्क से USB ले लेता है क्योंकि उसके अंदर ही फॉरेन एक्सचेंज कंपनी की सारी डिटेल्स थी। पार्क को यकीन नहीं होता कि हो नहीं उसके फादर को मारा है, वो पूछता है आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। हो बताता है एंड तभी हम पास्ट के सीन को देखते हैं। वो हमेशा से क्लास में फर्स्ट आता था और पार्क सेकंड, लेकिन फर्स्ट आने के बाद भी लोग हो से ज्यादा बात नहीं करते थे बल्कि वो सभी पार्क से इंप्रेस थे क्योंकि पार्क दिन भर खेल कूद करता था अपने दोस्तों के साथ, उसके बाद भी वो क्लास में सेकंड आ जाता था। वहां पर लोग ये कहने लगे थे कि पार्क जो चाहे वो कर सकता है, दिन में एंजॉय करने के बाद भी वो सेकंड आता है, अगर वो थोड़ा सा भी पढ़ने लग गया तो वो कहीं पागल ना हो जाए, कितना पढ़ने के बाद भी वो सेकंड आ रहा है। इवन पार्क का पढ़ाई में इंटरेस्ट भी नहीं था एंड तरीके से उसके IQ सच में दूसरों से बहुत ही ज्यादा थे, इसीलिए वो इतना अच्छा था सब कुछ में। एंड ये सब देखकर वो को बहुत बुरा लगता है और उसे गुस्सा आता है कि हर बार लाइमलाइट में पार्क ही क्यों रहता है, मैं क्यों नहीं। और गुस्से में उसने पार्क के फादर को बैंकक्रप्ट कर दिया ताकि पार्क की लाइफ की खुशी छीन जाए, और बिल्कुल ऐसा ही होता है, पार्क भी सभी स्पोर्ट्स खेलना छोड़ देता है और सिर्फ हैकिंग में डल जाता है एंड दुनिया के लिए वो अब एक वियर्ड बच्चा बन चुका था। वहीं दूसरी तरफ हो कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज ज्वाइन कर लेता है जिसके कारण अब वो सबके नजरों में आ चुका था, यानी कि उन दोनों की लाइफ्स बिल्कुल ऑपोजिट हो चुकी थी। अब प्रेजेंट में हो उस USB को अपने फोन में डालता है एंड उसमें एक मैलवेयर था एंड तभी हम जान पाते हैं पार्क ने सब कुछ प्लान किया था। उसने कल फॉरेन एक्सचेंज सिस्टम में घुसकर सिर्फ कुछ ईमेल्स भेजा था, कुछ भी हैक नहीं किया था, और फिर उसने ही कुछ क्रिप्टो कॉइन्स उनके एम्प्लॉयज के पास भेज दिया जिसे हो ने हैक करके चुराया था। बेसिकली हो पार्क के जाल में फंस गया होता है एंड ये सब कुछ पार्क ने इसलिए किया था ताकि वो सिर्फ उस बंदे की आइडेंटिटी जान सके एंड ये जानते ही वो पुलिस को यहाँ बुला लेता है। एंड अगले सीन में जून पार्क से थैंक्स कह रही थी,
उसके फादर को दो बार स्कैम से बचाने के लिए। लास्ट सीन में हमें एक बहुत बड़ी बात पता चलती है कि डार्क हैकर ग्रुप का कोई पर्टिकुलर लीडर नहीं है और ना ही कभी था। वो उसका एक मेंबर था और सीक्रेटली मिन भी उस ग्रुप का एक मेंबर है। एंड अब एक और जंग शुरू होगी जो मिन करेगा और यहाँ ये फिल्म खत्म हो जाती है। गाइस उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर हाँ तो प्लीज़ इसे लाइक एंड कमेंट जरूर कर दीजिए, साथ ही प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। सी यू सून।